एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करना होता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मेनली दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस, जिसकी हेल्प से हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग जानेंगे और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड पेड। ट्रांजेक्शन्स तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे या तो कैश रिसीव किया गया हो या फिर पे किया गया हो। वही इनकम रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगी जिनकी इनकम हमें कैश में रिसीव हो चुकी है, या फिर वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे जिनका अमाउंट हमने पे कर दिया है कैश में। इसके नाम से ही क्लियर है कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी जो सिर्फ कैश बेसिस होंगी। इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। एक्रुएड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब यहाँ पर इस मेथड में नहीं इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस। फर्स्ट, डज नॉट रिक्वायर यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। यहाँ पर जरूरत नहीं है एस्टिमेट और पर्सनल जजमेंट की। इसका मतलब ये हुआ ये मेथड हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं की जाती, तो सब बिजनेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ उसी एंटरप्राइजेस में एप्लीकेबल होगा जहाँ पर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पर की जाती है। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती है? ये सुटेबल होता है मेथड प्रोफेशनल पीपल के लिए, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, सीए एटसेट्रा, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये मेथड सुटेबल है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है? स्कूल, क्लब, इंस्टीट्यूशन, चैरिटी इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। वहाँ पर ये मेथड ईजली अप्लाई किया जाता है क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पर की जाती है। नेक्स्ट आता है इसके डिसएडवांटेजेस। डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज। यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पर की जाती है, जिसकी वजह से बिजनेस के ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में नहीं पता लग सकता और ना ही उनकी एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगाया जा सकता। ये मेथड फॉलो नहीं करता मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हो सकता है ना कि इनकम जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा जल्दी भी कलेक्ट हो सकती है या फिर थोड़ा पोस्टपोन भी हो सकती है। इसी तरह जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जल्दी पे भी किए जा सकते हैं या फिर उसमें पे करने में डिले भी हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट को मैनिपुलेशन करना यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट एंड रिसीट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड की जाती है जब वह ड्यू हो जाती है, चाहे उसे आपने पे किया है या रिसीव किया है या नहीं। मतलब कि मान लीजिए आपने कोई इनकम कलेक्ट करनी थी, वो आज आपकी ड्यू हो गई, लेकिन आज आपने कलेक्ट नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन आप आज के ही डेट में रिकॉर्ड कर दोगे जब वो ड्यू हुई, चाहे वो आपको कलेक्ट हुई है पेमेंट या नहीं। इसी तरह जो एक्सपेंसेस आपके ड्यू हो चुके हैं उसे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे वो आपने आज पे किए हैं या नहीं। इसे हम कहते हैं एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दिस क्लॉज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि कैश बेसिस मेथड में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते थे, जिसकी वजह से बिजनेस के ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं पता लग सकता, क्योंकि सभी बिजनेस में क्रेडिट और कैश दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता लगता है और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी हम अच्छे से जान सकते हैं। इस मेथड में फॉलो किया जाता है मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इसके डिसएडवांटेजेस होंगे, अकाउंटिंग प्रोसीजर इज वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स। कैश बेसिस बहुत सिंपल मेथड है, क्योंकि सिर्फ उसमें कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं, कैश और क्रेडिट, जिसकी वजह से इसका प्रोसीजर थोड़ा लेंथी हो जाता है। रैपिड असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज इम्पॉसिबल। जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर सारे वही पॉइंट्स लिखे हैं जो अभी हमने मीनिंग में पढ़े थे और जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में हमने रीड किए। एक बार इसे रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश बेसिस नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं ओनली कैश ट्रांजेक्शन, और एक्रुअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेकेंड है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। कैश बेसिस में सिर्फ वही इनकम रिकॉर्ड की जाएंगी जो हमने कैश में रिसीव की है, लेकिन एक्रुअल बेसिस में जब हमारी इनकम ड्यू हो गई हम तभी उसे रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे हमने उसे कैश में रिसीव की है या नहीं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। कैश बेसिस में हम सिर्फ वही एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे जो हमने कैश में पे कर दिए हैं, लेकिन एक्चुअल बेसिस में अगर हमारी पेमेंट ड्यू हो गई है, चाहे हमने पे की है या नहीं, उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये सब कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये सब कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है लीगल पोजीशन। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज किया जाता है कंपनीज एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है सुटेबिलिटी। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल पीपल के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर, सीए एटसेट्रा। अभी हमने पढ़ा कि ये किसके लिए सुटेबल है, जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि क्लब, स्कूल, चैरिटी इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। लेकिन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट की जाती है बिजनेसेस के द्वारा विद प्रॉफिट मोटिव। ये तो था आपका कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आता है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब है इट इज ए मिक्स ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रेवेन्यूज आर अकाउंटेड ओनली कैश बेसिस। रेवेन्यू तो रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बेसिस पे, लेकिन जो हमारी कॉस्ट होती हैं और एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं एक्रुअल बेसिस पे। इसे कहा जाता है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर इसे हम कहते हैं मिक्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये था आपके सब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।